शांति के कार्य में थोड़ा सा भी सहयोग किया, थोड़ा सा भी जिसने सहयोग किया, चाहे वो काउंटर पर बैठ करके रसीद काटने का काम हो, मैं उनको नमन करती हूँ। क्योंकि सेवा तो सेवा होती है, कोई सेवा छोटी और बड़ी नहीं होती। मेरे गोविंद ने तो चप्पल उठाने का काम किया था, चरण धोने का काम हाथ में लिया था उस महायज्ञ में। ये भी यज्ञ है, और आप सब ने अपने अपने ढंग से सेवा का कार्य लिया, आपको मैं हृदय से नमन करती हूँ। भोजन जिन्होंने बना के मुझे खिलाया, ऐसी मैं उस माँ अन्नपूर्णा को नमन करती हूँ। इतना प्रेम और स्नेह मुझे इस लेस्टर से मिला, इसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। माताओं का प्रेम मिला और मैं आज विदाई है, तो मैं विदाई के समय मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने आज तक विदा किया होगा बहुत से संतों को, अब तक बहुत सी कथाएं आपने सुनी हैं, और कथा के बाद विदाई भी करते हैं। आपने आज तक विदा किया होगा बहुत विद्वानों को, बहुत संतों को, बहुत कथाकारों को, लेकिन आज भारत वेलफेयर ट्रस्ट हो या भगवती ट्रस्ट हो या गीता भवन हो या ब्रह्म समाज हो या कोई हिंदू मंदिर हो और या फिर लेस्टर का कोई भी भाई बंधु या माता हो या अनिल जी या दीप्ति जी या भाई कांति जी, मैं एक एक व्यक्ति से मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि जब आज मेरी आप विदाई करो तो किसी संत के तरीके से नहीं, किसी विद्वान के तरीके से, किसी कथाकार के तरीके से नहीं, आज विदाई करो तो अपनी बेटी के तरीके से करना, अपनी बेटी की तरह, अपनी बहन की तरह करना, ताकि मुझे भी ऐसा प्रेम और ऐसा स्नेह लगे, मुझे भी एक अपनापन मिले। क्योंकि मैं जानती हूँ कथाकारों को आप भूल सकते हो, विद्वानों को भूल जाओगे, संतों को भी भूल सकते हो, क्योंकि बहुत लोग आते और बहुत लोग जाते हैं, पर कोई व्यक्ति अपनी बेटी को नहीं भूलता है, कोई अपनी बहन को नहीं भूलता। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगी, समस्त हिंदू शक्ति से निवेदन करूँगी, आज इस लेस्टर की भूमि से, इस मंदिर प्रांगण से यदि जाएं, और मैं कांति भाई जी, भाई अनिल जी और बहन दीप्ति जी को मैं अपनी तरफ से ये आश्वासन देकर कहूँगी कि आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझें और अपनी छोटी बहन समझें, और मेरी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मैं हमेशा तैयार, क्योंकि इनसे मुझे बहुत स्नेह मिला है। मैं दीप्ति बहन की मेहनत और परिश्रम को देखती हूँ और मैं भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि एक महिला मैं भी हूँ और महिला होकर समाज में चलना उतना आसान नहीं है, लेकिन वो कितनी मजबूती से चलती है। मैं विशेष बहन दीप्ति को कहूँगी कि मैं उनकी छोटी बहन हूँ और मुझे उसी भाव से समझ करके हमेशा जब भी मेरी ज़रूरत हो मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार, जहाँ भी ज़रूरत हो, क्योंकि मुझे पता है वो परोपकार के लिए बहुत काम करती है, वो भारत के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मुझे पता है ये लोग अपना एक एक पल दे रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, आज ये कार्यक्रम सफल हो रहा है तो इसके पीछे इनके कई कई महीनों की मेहनत और परिश्रम है। इन्होंने अपना घर तक नहीं देखा है, कई कई महीने इनके कदम बस चलते रहे हैं प्रयासों में। ये अपनी बदनामी भी, कई बार लोग इनको कुछ भी बोलते भी हैं कि अरे ये तो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, सारे लोगों के कड़वे घूंट भी सहन करते हैं और फिर भी ये हंसते हुए काम करते हैं। इन्होंने काम बंद नहीं किया, क्योंकि यदि ऐसे लोग काम बंद कर देंगे तो जिस दिन ऐसे लोग काम बंद कर देंगे उस दिन ये कथाएँ बंद हो जाएंगे। जिस दिन ऐसे लोग चलना बंद कर देंगे उस दिन शायद आपको ये कथाएँ सुनने को न मिलेंगी। आज विश्राम है, मैं आपसे आज विश्राम पे आप कुछ ना कुछ तो दान दोगे कि नहीं दोगे, दोगे कि नहीं दोगे, और देते भी। कथा सुनने के बाद प्रत्येक का कर्तव्य होता है कि उसको दान देना ही चाहिए, और आज मैं आप सब माताओं से, सब भाइयों से, सभी हिंदू बहन भाइयों से मैं ये हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, यदि आपको कुछ दान है तो मुझे ऐसा दान दीजिए, मुझे ये आश्वासन दीजिए, और आज से ये संकल्प